पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कितनी बार एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को विक्रेताओं के साथ मिलाप करना चाहिए ताकि उनका प्रदर्शन बेहतर किया जाए, साथ में उन उपकरणों के बारे में जाना जिनकी मदद से वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगले चरण में हम सीखेंगे कि अपने ग्राहकों को कैसे संभालना है और उन्हें सिर्फ उत्पादों के साथ नहीं बल्कि सेवा की गुणवत्ता के साथ भी खुश और संतुष्ट रखना है। ये वीडियो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए मजबूत ग्राहक सहायता बनानी सिखाएगा। कभी कभी ग्राहक कई अलग अलग कारणों से असंतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन ग्राहक के असंतुष्ट होने के सबसे आम कारण देर से डिलीवरी, उनके धन वापसी के मुद्दे और ग्राहक सहायता में देरी हैं। निपुण ग्राहक सहायता का निर्माण करने के लिए सबसे पहले बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है, जैसे कि ग्राहक अपने मुद्दों को कहां उठाते हैं और इन मुद्दों को कैसे हल किया जाता है। चलिए पहले इन दो बातों को जानें ताकि आप समझ सकें कि अपने ग्राहकों से कैसे, कब और कहां मिलना है। अब ग्राहक अपने मुद्दे कहां उठाएंगे? वो बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के जरिए ये करेंगे। अपने ग्राहकों की बात सुनना आपके व्यवसाय को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है और बायर एप्लीकेशन को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के लिए मुद्दों के बारे में विक्रेताओं से संपर्क करना आसान हो जाए। बायर एप्लीकेशन ग्राहकों को वह ऑर्डर जिसके बारे में वे मुद्दा उठाना चाहें वो चुनने की सुविधा प्रदान करेगा। बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को उठाए गए सभी ग्राहक मुद्दों को एकत्रित और संसाधित करना होगा। यदि भुगतान विफलता जैसी किसी तकनीकी विफलता के कारण ग्राहक को लेन देन या ऑर्डर विवरण प्रदान नहीं किया जाता है तो ग्राहक को ईमेल या एप्लीकेशन पर चैट समर्थन के माध्यम से मुद्दा उठाने का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। ग्राहक को ऑर्डर रद्द करने, रिफंड मांगने, रिटर्न मांगने, जब भी लागू हो ऑर्डर का अदला बदली करने या ONDC नेटवर्क पर बायर एप्लीकेशन पर ग्राहक द्वारा खरीदे गए उत्पादों और सेवाओं के संबंध में अन्य मुद्दे उठाने में भी सक्षम होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। अब अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ग्राहकों के मुद्दों का समाधान कैसे किया जाता है? हमने इसे 5 आसान चरणों में बताया है। ग्राहक द्वारा मुद्दे उठाए जाने के बाद समाधान होने के लिए वह इन 5 चरणों से गुजरेगा। सबसे पहले यदि मुद्दे का हल बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट कर सका तो वह करेगा और उसके हल होने पर ग्राहक को सूचित करेगा। यदि मुद्दा किसी अन्य सहभागी नेटवर्क पार्टिसिपेंट से संबंधित है तो समाधान के लिए जानकारी उन तक भेजी जाती है। मुद्दे का समाधान हो जाने के बाद ग्राहक को फिर से बायर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के जरिए सूचित किया जाता है। यदि मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है तो ग्राहक इस मुद्दे को शिकायत में बदल सकता है, जिसका मतलब है कि इस मुद्दे को लेन देन में भाग लेने वाले नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के शिकायत निवारण अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। प्रत्येक NP को ONDC नेटवर्क के साथ रजिस्ट्रेशन के समय शिकायत निवारण अधिकारी की जानकारी देनी होगी। यदि GROs मामले का समाधान नहीं कर सकते हैं तो ग्राहक मदद के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान सेवा प्रदाताओं के पास जा सकता है, जो मध्यस्थता, सुलह और विवाचन जैसे विवाद समाधान प्रदान करने वाले नेटवर्क पार्टिसिपेंट हैं। आखिर में यदि इनमें से कोई भी कदम मुद्दे का समाधान नहीं कर सकता है तो मामला कानूनी क्षेत्राधिकार के भीतर अदालत में जा सकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए कृपया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ई कॉमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम 2020 और इस QR कोड को स्कैन करके ONDC नेटवर्क की IGM नीति को ONDC वेबसाइट पर देखें। और यहाँ वीडियो समाप्त होता है। हमने जो सीखा है उस पर एक और नजर डालते हैं। हमने जाना कि ग्राहक मुद्दे कहाँ उठा सकते हैं और उनका जल्दी से समाधान कैसे करें ताकि आपका व्यवसाय आसानी और शांति से चल सके। अब जब आप जानते हैं कि ग्राहकों के मुद्दों को कैसे हल किया जाता है तो हम ग्राहक सेवा संचालन की निगरानी पर अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे कि उनकी समस्याओं को और भी प्रभावी ढंग से कैसे ट्रैक किया जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं।